वेलकम बैक टू DIGITAL डिजिटल खिचड़ी। दोस्तों मेरा नाम है धवल और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था, बात की थी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना चाहिए आपको बिजनेस के हिसाब से। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी का चुनाव करें अपने ऑनलाइन प्रेजेंस के हिसाब से। जी हाँ, आप जब कभी भी किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखते हैं, कोई भी ब्रांड्स का पेज देखते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ मेरा भी कुछ ऐसा पेज हो, मेरे भी ऐसे कुछ मार्केटिंग हो, एड्स हो, मेरी भी कुछ ऐसी एड्स बने। आप यदि ऐसा चाहते हो तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी का चुनाव करते वक्त ऑनलाइन आप प्रेजेंस जो होती है वो किस हिसाब से रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो देखना ना भूले। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर की वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहे। हम एक बिजनेस में है और हम जब कभी भी हमारी दूसरी सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं और वहाँ पे हम किसी और ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, तब हमको ऐसा फील होता है यार किस तरह से मार्केटिंग करते होंगे, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी ज़ोरदार है, धमाकेदार है, उनके जो हम क्रिएटिव्स देखते हैं, उनकी जो एड्स देखते हैं। हम जब कभी भी हमारा फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो वही एड्स हमें बारी बारी दिखती है दोस्तों। तो उसी प्रकार की स्ट्रेटजी दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जब कभी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस हमें किस तरह से बनानी चाहिए, या तो ऑनलाइन प्रेजेंस के हिसाब से हमको मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अभी समझ लीजिए कि आपने एक नया नया बिजनेस शुरू किया है, या तो आपका बरसों से जो पुराना बिजनेस है वो चल रहा था बट ऑनलाइन प्रेजेंस के नाम पर अभी आपका जीरो है, यानी कि आपने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। दोस्तों तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, यदि आप अपने नए प्रोडक्ट और सर्विस के साथ आ रहे हो, या तो आप ऑलरेडी एक बिजनेस में एस्टैब्लिश हो बट ऑफलाइन आपकी प्रेजेंस है, ऑनलाइन आपका कुछ नहीं है, वो एक सिचुएशन है और उसकी पूरी डिफरेंट सिचुएशन है। जो कि ऑलरेडी बिजनेस में है उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, यानी कि जो सोशल मीडिया पेजेस है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहे पिछले एक साल से, तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जो ऑलरेडी एक साल से या उससे ज़्यादा टाइम से मैनेज कर रहे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पर यदि आप नए हैं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में एक आपको रखनी है बात कि मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस आप नए हो, बिजनेस में भले ही आप पुराने हो बट ऑनलाइन प्रेजेंस में आप हो तो वहां पे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट होगी। जी हां, यहाँ पे एक साल पुरानी अपनी मार्केटिंग आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, या तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी आपका नया नया है, दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में काफ़ी फर्क होगा दोस्तों। तो आपको एक खास यहाँ पे ध्यान में रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे पास ऐसा कई बिजनेसेस आते हैं जो कि एक साल दो साल से ऑलरेडी उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग करते होते हैं, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। जी हाँ, हम उसका एनालिसिस क्या करते हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस क्या है, उनके ऑनलाइन प्रेजेंस, उसकी जो ब्रांड है और ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस किस तरह से अवेलेबल है, और उसको एक लेवल से उसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुँचाना है। जी हाँ, तो वहाँ पर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि जो जो लेवल पर है उसका तो सबसे पहले हम उसको एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं है कि वो पर्टिकुलर लेवल से कैसे वो एक लेवल पे मूव हो सके। और जहां तक यहां पे हम नए हैं, हम नया प्रोडक्ट और सर्विस ला रहे हैं मार्केट में, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे दोस्तों उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम ब्रांडिंग से शुरुआत करते हैं। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि भले ही बिजनेस के लेवल एक है बट यहां पे यदि ऑनलाइन प्रेजेंस के मामले में हमारी वहां पे दूरी बनती है तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होगी। अभी हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। जी हाँ, आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और आप पिछले एक साल से अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से कर रही है। एक XYZ रेस्टोरेंट की आपकी कंपनी है जो कि ऑलरेडी 5 साल से एक रेस्टोरेंट चला रही है, ठीक है, बट वो सोशल मीडिया में यानी कि ऑनलाइन में जो एक्टिव हुए वो पिछले एक साल से हुए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और एक रेस्टोरेंट है जो कि है ABC, ठीक है। तो जो ABC रेस्टोरेंट है वो पिछले 5 साल से वो भी काम कर रही है बट अभी तक उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस या तो ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पिछले एक साल से जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही रेस्टोरेंट है उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो ऑडियंस है वो टोटली डिफरेंट होगी। वहाँ पर ऑलरेडी उसने एंगेजमेंट किया हुआ है, उसने फाउंडेशन जो है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जब कभी भी नई बिल्डिंग्स बनती है दोस्तों तो हमको मालूम है कि उसके पिलर में उसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना रहता है। तो ऑलरेडी वो पिछले एक साल से
उसने वहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी मेंटेन की हुई है, यानी कि उन्होंने उसका जो फाउंडेशन है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो उनकी जो स्ट्रेटजी होगी वो पूरी डिफरेंट होगी। और जहाँ तक यहाँ पे दूसरी तरफ बात है, वो पिछले और ABC कंपनी जो रेस्टोरेंट हमारी चला रही है, और ABC रेस्टोरेंट जो है ऑलरेडी 5 साल से है, पर अभी तक उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग या तो फिर ऑनलाइन प्रेजेंस के नाम पे उसने कुछ भी नहीं किया है, तो उनकी पूरी स्ट्रेटजी वो डिफरेंट होगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ काफ़ी ध्यान में रखनी है कि आप जब कभी भी शुरुआत करते हैं, जी हाँ ऑनलाइन प्रेजेंस में जब कभी भी शुरुआत करते हैं, तो आपको पहले से ही करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप ही करनी रहती होती है। आप दूसरे का देख के आप वहाँ पे जजमेंट नहीं डाल सकते कि मुझे भी ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। वो जो XYZ कंपनी है ऑलरेडी उसने 1 साल दिया हुआ है, जबकि हमारी जो ABC रेस्टोरेंट है वो अभी नई नई है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ऑनलाइन प्रेजेंस को ध्यान में रख के की जाती है। स्टे ट्यून, थैंक यू।